अनियाल नहीं उठा अभी तक। सुबह से 5 दफा जगाया मैंने उसे, हर बार यही कहता है अम्मी 5 मिनट, अम्मी 5 मिनट। दरअसल रात को देर तक जागते रहे। राहिल, आज मैं और तुम्हारे अब्बू जाएंगे आगे के घर। प्लीज अम्मी, अब क्यों बार बार मायूस होकर लौटना चाहती? मैंने बोला है ना आपसे, आप इसलिए तो जाना चाहते हैं कि उनसे वजह तो पूछे। बार बार शर्मिंदा होकर क्या फायदा? फायदा ये है बेटा कि कम से कम हमें बाद में पछतावा तो नहीं होगा ना कि हमने वजह जानने की कोशिश नहीं की और चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। अबू वो लोग मना कर चुके हैं, उस दिन आलिया की अम्मी ने साफ इनकार किया है। और इनकार की वजह बताई? अम्मी उनकी मर्जी, हमारा वजह जानना जरूरी नहीं है। लेकिन बेटा हमारे लिए वजह जानना जरूरी है। आखिर क्या वजह इनकार की? ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे। अरे आलिया ने इतने दिन से मुझसे रब्ता नहीं किया, मेरा नंबर ब्लॉक रखा है उसने। इसीलिए तो वजह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है अम्मी, जैसे आप चाहें आप वैसे ही करें। बस जाने से पहले कॉल कर लीजिए, परमिशन ले लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़े। जी, मैं आपसे इस मौजू में अब कोई और बात करना नहीं चाहती। आप मेरी बेटियों का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। हाँ, अगर चाय पीने आना चाहती हैं तो ज़रूर आए, लेकिन हम अब इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे। कि मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि आखिर आप लोग किस वजह से इनकार कर रहे हैं। मैं आपको वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती। देखिए, आप जानती हैं कि बच्चों की खुशी है। एक मिनट, बच्चों नहीं बच्चे, आपके बच्चे। मेरी बेटियां अब वही करती हैं जो हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर आपको इतराज क्यों है, ये तो बता दें। मैं आपको कुछ बताने की पाबंद नहीं हूं। देखें, आप ठंडे दिल से मेरी बात सुने। बात अब खत्म हो चुकी है मोहतरमा, अल्लाह हाफिज। इस खातून का नंबर अब ब्लॉक कर दो। अजीब रुखे और बदलिहाज लोग हैं। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, बस हम ये भूल जाए आलिया को। तुम भूल जाओगे? मुझे तो तुम्हारी खुशी अजीज है। तो खुशी हासिल करने के लिए जिल्लत तो मोल नहीं ली जा सकती ना। ठीक है, तुम भी कहीं और शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें यूं मायूस नहीं देख सकती। हमें ठीक कह रही हूँ, आलिया की अम्मी भी तो दावा कर रही हैं कि उसकी बच्चे उसकी बात मानेंगे, उसके फैसले के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगी, तो तुम भी मान जाओ शादी के लिए। चलिए अम्मी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सब परेशान ना हो, अब जहां कहेंगी मैं वहां शादी करने के लिए तैयार। और ये बात मैं पूरे दिल से कर रहा हूं, बगैर किसी नदामत और पछतावे के। बस आपको रिश्ता देख ले मेरे लिए और कर दे मेरी शादी।